मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे कल्याण में महात्मा फुले पुलिस ने देसी पिस्तौल से हवा में फायरिंग करने वाले एक युवक को 2 देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम गणेश राजवंशी है, जो घनसोली का रहने वाला है और ये कल्याण में आकर देसी पिस्तौल का सौदा कर रहा था। इस दौरान इस गणेश ने देसी पिस्तौल से हवा में फायरिंग भी की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हो रही है। पुलिस को खबरी द्वारा पहले ही गुप्त सूचना मिल चुकी थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति बंदूक को की सौदा करने के लिए कल्याण में आने वाला है, जिसके आधार पर महात्मा फुले पुलिस ने पहले से ही सतर्क हो गई थी। और इसी बीच कल्याण के काला तालाब परिसर में रात के समय गणेश संदिग्ध हालत में पुलिस को घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो इसके पास से 2 देसी तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, आरोपी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो देसी पिस्तौल से खुलेआम हवा में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद गणेश राजवंशी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया है। कल दिनांक 28 जनवरी 2022 को हमारे सीपी साहब के आदेश के अनुसार हमारे थाने कमिश्नरेट में अलर्ट ऑपरेशन था। उसके तहत हमारे महात्मा पुलिस स्टेशन के डीबी ऑफिसर एपीएस सरोदे और उसका जो डीबी स्टाफ है उनको इन्फॉर्मेशन मिली, ऐसा ऐसा एक आदमी गावटी कट्टा बेचने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन सीनियर पे हनुमान साहब को दी, उन्होंने 2 टीम वहाँ पे स्पॉट पे भेज दिया। काला तलाव परिसर में वहाँ पे एक आदमी यूनिकॉर्न गाड़ी के पास खड़ा था, उसको जब ताले में लेके उसका जड़ती किया तो उस वहाँ पे एक गावटी कट्टा और एक गावटी पिस्तौल मिला, सिवाय 6 राउंड वहाँ पर मिले। जब ये लगभग 1,09,000 का माल मुद्दे माल वहाँ पे जब्त करके पुलिस स्टेशन पे आके आर्म एक्ट 3/25 और महाराष्ट्र पुलिस कायदा सेक्शन 37/135 के अंतर्गत गुना दाखिल किया। उस आदमी का नाम है गणेश राजवंशी, ये नई मुंबई का रहने वाला है और ओरिजिनल ये गुड़गांव हरियाणा का आदमी है। इनका बैकग्राउंड क्या है सर? अभी तपास में ये सामने आया है कि इसके ऊपर और एक मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल है 2021 को। और इनका एक हवा में फायरिंग करने वाला जब वीडियो सामने आया इन्वेस्टिगेशन में, तो आर्म एक्ट 27 सेक्शन 27 वहाँ पे बढ़ाया है और हमारे महात्मा फुले पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।